नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से भगवकीय मैथ गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले बार हम स्क्वायर रूट के बारे में स्क्वायर निकालने के लिए बता रहे थे, उसी से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 11, 111, 1, 1 जैसी पूर्णावृत्ति का वर्ग अगर निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1, 1, 1, 1, 4, 1 या 2, 2 रहे या 3, 3 रहे तो इसका वर्ग कैसे निकलेगा। तो जैसे 11 है, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 11, 1, 2, 1, ठीक है। तो इधर से लिखते जाएंगे और फिर पूर्णावृत्ति होगा। जैसे 3 है तो 1, 1, 2, 3 फिर 2, 1, ठीक है। जैसे है 4, 4, 1 है तो इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब फिर जो है बैक हो जाएंगे 3, 2, 1, ठीक है। अब जैसे 2, 2, 2, अब कह रहे हैं कि इसे अब सोचोगे कि 2, 2, 2 है तभी कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, हम 2 को आगे रख देंगे। अब तो 1, 1, 1 का स्क्वायर है ना, समझ रहे हो। तो अब हम 1, 1, 1 का क्या लिखेंगे, 3 है तो 3 अंक तक जाएगा, 1, 2, 3, और फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी तो 3 है तो 2, 1, और इसको 2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4 और 2, 2, 4, 6, 4, 2। इसी तरह से अगर 4, 4 रहे तो 2 आगे निकाल दीजिए या 4 आगे निकाल दीजिए, 1, 1 का कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 99, 999 या 4 × 9 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इस ऐसे संख्या में सबसे पहले क्या करेंगे, तो दाईं ओर से 1 लिखेंगे, ठीक है। दाएं ओर से, जैसे यहाँ पर देखिए 99 का स्क्वायर है, क्या कह रहा है भैया, दाएं ओर से 1 लिखें, 1 लिखा गया। उसके बाद 9 की संख्या जितनी है उससे 1 कम शून्य लिखें। 9 की संख्या कितनी है, 2 है, 2 है तो इससे 1 कम शून्य कह रहा है, तो 2 है तो 1 कम शून्य 1 शून्य होगा। तो पहले तो 1, 1 लिखाया दाईं ओर से, ठीक है, उसके बाद 1 शून्य लिखाया, ठीक है, उस इसके बाद 9 की संख्या से 1 कम होगी, जैसे 8 हो गया, मतलब इसके बाद 9 की इसके बाद 1 8 लिखाएगा, ठीक है ना। तो 1 8 आया, उसके बाद 99 में कितना 9 है, 2 9 है, तो यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, ठीक है। समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन आप अभ्यास करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको आसान होती जाएंगी। जैसे 9 9 9, अब हम देखते हैं कितना 9 है, 3 9 है, लास्ट में क्या करना है जी, तो 1 लाना है, उसके बाद जितना 9 है उससे 1 कम 0 आना चाहिए, तो उससे 1 कम कितना 0 हुआ, 2 0, उसके बाद 1 8 आना चाहिए, उसके बाद जितना 9 है उससे 1 कम 9 होना चाहिए, तो 3 है तो 2 हो गया, तो हो गया 9 9 8 0 0 1। अब इसी तरीके से है 4 9 का स्क्वायर, तो 4 9 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, आँख मून के 1 2 3, 3 शून्य हो गया। उसके बाद क्या कहता है आपका फॉर्मूला, कि 1 8 दे देंगे, उसके बाद फिर क्या कहता है कि 1 2 3 4, 4 है तो 3 9 हो जाएगा, 1 2 3। तो उसके बाद फिर अब अगला देखते हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 × 9 का स्क्वायर कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज, लास्ट में 0, 5 times है तो 4 × 0, 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 1 8, उसके बाद 5 times 9 है तो 4 times 9 हो जाएगा,
एक कम लिखना है ना, यही हो गया। तो इस तरह का संख्या रहे 99 का वर्ग निकालने के लिए, तो आप आसानी से इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 है। इकाई अंक 5 का मतलब समझ रहे हैं कि इकाई में 5 हो, जैसे 65 का स्क्वायर, ठीक है। 65 का इकाई अंक क्या है? 5। दहाई अंक 6। तो स्टेप 1 कहता है भैया कि इसमें दाई ओर से 25 लिखना, आंख मूंद के कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या लिख देना है, दाई ओर से 25, ठीक है। स्टेप 2, 5 के अतिरिक्त जो संख्या है उसमें 1 जोड़कर उसी संख्या से, उसमें क्या करना है, 1 जोड़कर उसी संख्या से गुना कर दे, ठीक है। तो इकाई और दहाई, दहाई में क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 में 1 जोड़ दिए, हो गया 7। 7 में बोलता है कि इसी संख्या से गुना कर दे, तो 6 + 1 × 6 क्या हो जाएगा, 4225। अब देखिए एग्जांपल में 95 का स्क्वायर क्या कहता है फॉर्मूला, कि लास्ट में क्या कर देना है, 25 लिख देना है, ठीक। अब बोलता है कि दहाई अंक में क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो 9 + 1 = 10, और 10 में फिर वही संख्या को गुना कर देना है, तो 10 × 9 = 90, ठीक है। वैसे ही हम करते हैं, जैसे 135 का स्क्वायर है, तो ये तो 3 times है लास्ट में, लेकिन 5 तो है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। क्या हुआ, 25, अब 13 है, ठीक है। तो 13 + 1 14 में 13 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 14 × 13 क्या हो जाएगा, 42, और 14 2, ठीक है। अब जैसे 45 है, लास्ट में 25 करना है, 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, समझ में आ गया, सीधा करना। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण, 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है 2 अंकों की किसी भी संख्या का। अब जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 75 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वो कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि जिसमें 5 रहेगा तो उसके लास्ट में 25 कर देना है, और 7 में 1 जोड़ दीजिए, 8 में फिर इसी से गुना कर दीजिए, 56 25। ये तो फॉर्मूला है ही, कुछ देर पहले बताए। सो एक चीज और भी है, इसको जान लीजिए। सबसे पहले ये दोनों को गुना कर दीजिए, क्या हो रहा है, 7 × 5, और जो गुना है उसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 70, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 7 है, इसका स्क्वायर कर दिए 49, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इस 70 जो है यहाँ पर इसमें जुट जाएगा, तो क्या हो गया, 56 25, ठीक। उसी तरह से देखते हैं यहाँ 78 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 7 × 8 × 2 = 112। अब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, अब एक अंक हट के 112 क्या हो गया, 6084 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से है, अब आपको एग्जांपल हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे आप 64 का स्क्वायर देख लीजिए, क्या करना है, 6 × 4 × 2
क्या हो गया 48, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या करना है 36, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अभी 48 है, एक अंक छोड़ के 48 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 8 1 9, 6 4 10 के 0 3 1 4 4 0 9 6। आसान है, सिंपल है। अब 92 का करके देख लीजिए, 9 × 2 × 2 = 36। नाउ 9 का क्या हो गया 81, 2 का क्या हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 04, ठीक है। 36 एक अंक छूट के 36, अब इसको प्लस कर देना 4 6 4 8। बहुत ही सिंपल है। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे भी लिखने का और नए चैप्टर के साथ आपके लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अब हम लोग इसका और एक दो एग्जांपल आपको बता देते हैं, जिससे ज़्यादा आसान होगा स्क्वायर समझने के लिए। किसी जैसे अब 89 है, तो क्या करना है 8 × 9 × 2 क्या हो गया 72 × 2 = 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 144 एक अंक छोड़ के 441 क्या हो गया 1 8 4 4 4 8 8 9, ठीक है। अब जैसे 35 है, 35 3 × 5 × 2 33 × 0 = 25, ठीक है, स्क्वायर हुआ ना। अब 30 करना था 0 5 2, तो यही है आज का सेशन मेरा ख़त्म होता है, और अगले सेशन में फिर से उपस्थित होंगे इसी तरीके से नए चैप्टर के साथ स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर दो सेशन में मैंने स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया आप लोगों को मित्रों, अब अगले सेशन में स्क्वायर रूट, जैसे √4 = 2, √16 = 4, √3 = 1.732, वो आखिर आसानी से कैसे निकालें, ठीक है। दो अंक तीन अंक का तो निकाल लेते हैं हम, लेकिन अगर ज़्यादा अंक का रहे या कम अंक का रहे, दशमलव में रहे, तो उसको कैसे आसानी से निकालेंगे। तो रूट संबंधित हमारे नए एपिसोड को देखने के लिए नेक्स्ट चैनल नेक्स्ट टाइम जरूर आए। और इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। गुड बाय, थैंक यू।